हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन जो। फ्रेंड्स, आज मैं आ गई और एक सीरीज जनरल साइंस जीके क्वेश्चन के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल योर टीचिंग एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है टीचिंग एग्जाम के लिए? जल्दी से कमेंट पर बता दीजिए मुझे। सो चलते हैं अभी वीडियो पे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे आंसर फॉर व्यूवर्स क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था उसका जवाब देख लेंगे पहले। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल? ऑप्शंस था हेपेटोलॉजी, हिमाटोलॉजी, हेल्कोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी। सो इसका जवाब है हिमाटोलॉजी, ऑप्शन बी हिमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमाटोलॉजी। देखते हैं अब पहला प्रश्न। ए व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास टू लीवर। सो देर आर थ्री क्लासेज इन लीवर, क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर एंड क्लास थ्री लीवर। सो ये व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास टू लीवर। इन क्लास टू लीवर लोड इज बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट। पिक्चर देखते हैं व्हील बैरो का। सो ये है एफर्ट, यहाँ हम एफर्ट डालते हैं, दैट मीन्स वी अप्लाई फोर्स हियर एंड वी पुट लोड इन द सेंटर हियर एंड देन फुलक्रम इज हियर। Here is the fulcrum. This wheel support is the fulcrum. So this is how the class 2 lever works. Let's move on to next question. A nuclear reaction must be balanced in terms of mass and energy. Animals which can live both on land and water are called amphibians. Examples are frogs and toads. Let's see question number 4. The splitting of white light into its components is due to dispersion. Why do we slip on a wet floor easily? Due to less friction. What is friction? Frictional force is a force which resists the motion of objects. Here in this case, what happens? Because of water, the surface area in contact between the floor and the foot decreases. And because of that, friction also decreases and we slip on the wet floor. Decibel is the unit to measure intensity of sound. Yes, sound is measured in terms of decibel. फ्रेंड्स, देखते हैं अभी अगला प्रश्न। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। सो द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज एंड दिस आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था विटामिन बी का साइंटिफिक नेम। सो विटामिन बी को बोलते हैं राइबोफ्लेविन and vitamin C is called ascorbic acid. Bile juice is secreted by which gland? Answer is liver. And very important question, और एक important point है, liver is the largest gland. अगर आपसे पूछा जाए which is the largest gland in our body, then you have to answer it as liver. And it secretes bile juice which helps in digestion. The longest cell in the human body? Answer is neuron or nerve cells. फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी व्यूवर्स क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड पेंसिलिन? इसका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, क्रिस्टन बर्नार्ड और लुइस पास्टर। सो जल्दी से आंसर गेस करके कमेंट पे लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आंसर टाइप करना भूलिएगा मत। थैंक यू एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।